क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो आज का मेरा 11th का नेक्स्ट लेक्चर है जिसका चैप्टर का नाम चल रहा है मेरा सम बेसिक कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देख लिया था जो रिएक्शन मैकेनिज्म मेरी चल रही थी, तो उसमें बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड फिजन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, यहां तक हम लोगों ने बच्चा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो आता है वो आता है बेटा इंटरमीडिएट पढ़ना, मतलब हम लोगों को बच्चा क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट पढ़ने हैं। अगर हम लोग 11th लेवल की बात करें बेटा, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन के बेटा बीच में बनेंगे। देखो कार्बन के बेटा चार बॉन्ड होते हैं, ठीक है बेटा, कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, चार बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। जब उसमें से कोई बॉन्ड टूट जाएगा, जब कार्बन के पास तीन बॉन्ड या कार्बन के पास दो बॉन्ड बचेंगे, तो वो जो बनेगा उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। चूंकि उसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी, इस वजह से वो रिएक्टिव होगा, और जब तक उसके चौथा बॉन्ड या चारों बॉन्ड पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक वो रिएक्शन करेगा। तो देखो वैसे तो इंटरमीडिएट कई प्रकार के हैं, मगर हम लोगों को बच्चा क्या करना है, अगर 11th लेवल की बात करें तो एक बच्चा पढ़ लेना है हम लोगों को पहला कार्बोकैटायन पढ़ना है। ठीक है, पहला बच्चा क्या पढ़ना है, कार्बोकैटायन। ठीक है, दूसरा मैं बताऊंगा बच्चा कार्ब एनायन बताऊंगा, और तीसरा मैं बताऊंगा बच्चा फ्री रेडिकल। तो पहले देखते हैं मेरे पास पहला इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बेटा क्या होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी कार्बन हो, अगर मेरे पास कोई भी कार्बन हो उसमें बच्चा तीन बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड पूरे बने हो, ठीक, तीन सिग्मा हो सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर तीन बॉन्ड होंगे, चाहे वो डबल मिला के हुआ हो चाहे सिंगल मिला के हुआ हो, और बेटा इस वाले कार्बन पे चार्ज बच्चा कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर किसी भी कार्बन पर अगर तीन सिग्मा बॉन्ड है और मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज का टीका लगा हुआ है, तो बच्चा उसे मैं बोलूंगा कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कुछ ग्रुप लगे होंगे, चलो मैं अभी ए लगा लेता हूँ। ठीक है, अब कार्बोकैटायन की हमें पहचान पता लग गई कि भाई कार्बन पर मेरे पास तीन बॉन्ड बने होंगे और साथ में बच्चा चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे बात करते हैं सर इसकी ज्योमेट्री वगैरह क्या होगी, तो बेटा इसके लिए हम लोग इसका निकाल लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके लिए बच्चा हमें देखना होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो यहाँ लोन पेयर तो है नहीं क्योंकि कार्बन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो यहाँ तीन सिग्मा बॉन्ड है केवल, कितने बच्चा सिग्मा, तीन सिग्मा, तो यहाँ पे चूंकि तीन सिग्मा है, तीन बॉन्ड पेयर है, इस वजह से बच्चा यहाँ का जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चा वो बच्चा sp2 हो जाएगा। देखो ये टोटलिंग में तीन है और यहाँ पर s और दो p को मिलाकर भी बेटा तीन आएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर sp2 हो जाएगा, इस वजह से इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, मतलब जो ज्योमेट्री आएगी बेटा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, मतलब ये इस तरह का नहीं बना होगा, ये बच्चा इस तरह का बना होगा, कार्बन पर एक ए बेटा इधर लगा होगा, एक ए बेटा इधर लगा होगा, एक ए बेटा इधर लगा होगा, ये होगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, हम लोगों के पास पी ऑर्बिटल बेटा तीन होते हैं, कितने होते हैं बेटा पी ऑर्बिटल तीन, तो यहाँ पर बेटा दो का इस्तेमाल हो रहा है, तो दो पी ऑर्बिटल तो हाइब्रिड में चले गए, देखो टोटल ऑर्बिटल तीन है जो कि यहाँ पर है, तो दो पी तो हाइब्रिड में चले गए, तो जो एक पी बच गया है वो बेटा वो प्योर ऑर्बिटल है, प्योर डंबल शेप का होगा, वो बच्चा प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे बना होगा। ठीक है ना, ये बच्चा ऑर्बिटल जो होगा बच्चा वो अनहाइब्रिड होगा, कैसा होगा बच्चा, अनहाइब्रिड होगा। ठीक है, और एम्प्टी तो होगा ही होगा, खाली इस वजह से होगा क्योंकि कार्बन पर आपका चार्ज पॉजिटिव है, इस वजह से ये पी ऑर्बिटल प्लेन के आधा लूप ऊपर होगा और आधा लूप क्या होगा नीचे। तो अगर कोई भी कार्बन ऐसा है जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो, मोस्टली तीन सिग्मा बॉन्ड बने बच्चा, तो उसे हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। जिसको भी नोट करना है वो अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब सर बात करते हैं सर कार्बोकैटायन बनता कैसे कैसे, ठीक है, मतलब मेरे पास कहाँ कहाँ कार्बोकैटायन बनता है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे पास कार्बन पर प्लस चार्ज आना है, ठीक है, अगर बेटा कार्बन पर प्लस चार्ज आना है तो कोई बगल में ऐसा एटम लगा होना चाहिए जो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, आपको बॉन्ड फिशन ध्यान होगा हेट्रोलिटिक वाला, ठीक है, तो उसमें एक पे प्लस और एक पे क्या आता है माइनस, मतलब कोई जो बगल में एटम लगा हो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ताकि इलेक्ट्रॉन लेके जब वो निकल जाए तो उस एटम पे तो निगेटिव आ जाए, अगर कार्बन पे आ जाए पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बोकैटायन बनाने बैठे तो मैंने एक कार्बन लिया और इसकी डिग्री बच्चा मैंने थर्ड डिग्री कर दी, क्या कर दी बच्चा मैंने थर्ड डिग्री कर दी, कैसे कर दी थर्ड डिग्री, और यहाँ बच्चा मैंने सीएल लगा दिया, इसका नाम बेटा है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्या नाम है, ये कार्बन थर्ड डिग्री का है,
इसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। इस बॉन्ड के बच्चा दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो एक सीएल तो अपना ले जाएगा, एक बच्चा वो कार्बन का भी ले जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली क्या बन जाएगा, सी पे बच्चा यहाँ पर सी एस थ्री आएगा, सी पे बच्चा यहाँ सी एस थ्री आएगा, सी पे यहाँ सी एस थ्री आएगा, और चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और बगल में आ जाएगा सीएल निगेटिव। तो इस तरह से मेरे पास कार्बोकैटायन बन जाता है। देखो मोस्टली कार्बोकैटायन वहां बनता है जहां वो स्टेबल हो, कभी आगे इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करूंगा कि जो मेरे पास थर्ड डिग्री वाला कार्बोकैटायन होता है बेटा वो स्टेबल होता है। अगर कार्बोकैटायन की डिग्री कम हुई तो उसको बनने में दिक्कत आती है, वो फिलहाल कम स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया, मैंने लिया बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन लिख लिया बेटा मैंने बेंजीन, और इसके ऊपर लिख लिया मैंने सी एच टू और सी एल लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ का भी सी एल इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर जो सी एच टू चिपका है बच्चा इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसका नाम होता है बेंजिल कार्बोकैटायन। ये भी बेटा स्टेबल होता है, मतलब ये वाला कार्बोकैटायन भी स्टेबल। तो ये मेरे पास दो तीन मेथड थे जो कार्बोकैटायन को बनाने को लेकर के थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मेरे पास कार्बोकैटायन कितने प्रकार के हैं। तो अगर हम लोग सिंपल डिग्री की बात करें तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं चार प्रकार के, एक होता है जीरो डिग्री का, एक होता है वन डिग्री का, एक होता है टू डिग्री का, एक होता है थर्ड डिग्री का, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो सी पर हमारे पास सारे के सारे एच लगा दिए जाएं, एक भी कार्बन ना लगाओ, ठीक है। सी पे सारे मेरे एच लगा दिए जाएं, एक भी मेरे पास कार्बन ना लिखाओ, ठीक है। सी पे मेरे पास सारे एच लगा दिए जाएं बच्चा, एक भी यहां पर कार्बन ना लिखाओ, ठीक है ना, एक भी कार्बन ना हो, तो हम लोग इसको बोलते हैं बच्चा मेथिल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं बेटा, मेथिल कार्बोकैटायन, ठीक है। अच्छा मेथिल बोल दीजिए, या इसको मैं बोलता हूँ जीरो डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो मेथिल बोल दीजिए, या बच्चा इसको आप बोल देंगे जीरो डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस पे एक एक करके सी बढ़ाता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सी एस थ्री कर दिया, यहाँ एच कर दिया, यहाँ एच कर दिया, यहाँ चार्ज पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब देखिए इस वाले कार्बन पे एक कार्बन बढ़ गया, तो ये मेरे पास वन डिग्री का हो गया, या मैं बोलता हूँ प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। जिस सी पे बेटा जितने भी सी लगे होते हैं वो उसकी डिग्री होती है, तो ये वाला बच्चा वन डिग्री का हो गया या प्राइमरी। इसी तरह से अगर मैं इस वाले सी पर दो तरफ मेथिल लगा लेता हूँ, अगर इस वाले सी पर दो तरफ मेथिल लगा के प्लस कर लेता हूँ, तो ये टू डिग्री या मेरे पास सेकेंड डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, टू डिग्री या सेकेंड डिग्री, ठीक है। फाइनली जो बनेगा सी पे हमारे पास तीन तीन सी एस थ्री हो जाएंगे, और अगर तीन तीन सी एस थ्री बच्चा हो जाएंगे तो यहाँ पर चार्ज प्लस, तो ये हो गया थर्ड डिग्री या टर्ड डिग्री। तो मेरे पास अगर डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें तो कार्बोकैटायन चार प्रकार के होते हैं, मेथिल वन डिग्री, टू डिग्री और थर्ड डिग्री। अब बात कर लेते हैं बेटा इन चारों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा, और इन चारों में से कौन सा कम स्टेबल। तो एक चीज मैं एक पॉइंट सिखा दूं बेटा, अगर कहीं पर कोई भी चार्ज है, एक पॉइंट आप सीख लीजिए, अगर बेटा कहीं पर कोई भी चार्ज है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, अगर बेटा बढ़ेगा, अगर चार्ज बढ़ेगा बेटा, तो ध्यान रखिए हमेशा स्टेबिलिटी घटेगी। एक सीधा सा स्टेटमेंट है, अगर कहीं पर भी अगर आपका चार्ज बढ़ता है, अगर कहीं पर भी आपका चार्ज बढ़ता है बेटा, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अब आप इसके पहले आपको इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह सब सिखाया गया था, उम्मीद है वो सब आप पढ़ के बैठे होंगे, ठीक है। पहले बताइए यहाँ पे चार्ज कैसा है। देखिए थर्ड डिग्री वाले में चार्ज प्लस है, चार्ज प्लस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस वजह से यहाँ चार्ज प्लस है। अब मैंने मेथिल या एल्किल ग्रुप के बारे में बताया था मैंने कि बेटा जो एल्किल होता है बेटा, जितने एल्किल होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं बेटा। एल्किल क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मतलब एल्किल का काम क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना। अब बताइए ये प्लस सेंटर मेरे को बता रहा है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस वजह से ही यहाँ प्लस है। अगर मैं इसकी कमी को पूरा कर दूं, अगर मैं इसकी कमी को, मैं क्या पूरा करूंगा, जो ग्रुप लगे ये पूरा करेंगे, ठीक है। अगर ये ग्रुप इसकी कमी को पूरा कर देंगे तो ये प्लस चार्ज यहाँ से हट जाएगा। अगर बच्चा यहाँ से प्लस चार्ज हट जाएगा तो कहीं ना कहीं चार्ज मैं बोलूंगा डिक्रीज कर गया, ठीक है। अगर बच्चा चार्ज डिक्रीज कर गया तो मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। जैसे चार्ज इंक्रीज होने पर स्टेबिलिटी घटती है, इसी प्रकार अगर मेरे पास चार्ज कहीं पर डिक्रीज होगा बच्चा, तो बच्चा स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, चाहे वो प्लस चार्ज घटे और चाहे वो माइनस चार्ज घटे। फिलहाल ये सी एस थ्री ग्रुप प्लस आई देगा, प्लस आई देगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। यहां पर
आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, इस प्लस को कम करेगा। इसी तरह से ये मेथिल भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी कमी को पूरा करेगा। ये मेथिल भी इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी कमी को पूरा करेगा। तीनों मेथिल मिलकर के इसकी कमी को पूरा करेंगे। जब इस कार्बन के पास कमी पूरी हो जाएगी बच्चा, तो कहीं ना कहीं इसका प्लस चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। कमी होने की वजह से ही यहाँ प्लस चार्ज था, और तीनों मिलकर इस कमी को पूरा करेंगे तो कहीं ना कहीं चार्ज को कम करेंगे। और जब बच्चा चार्ज कम होगा तो बेटा स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बच्चा चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब कुल मिलाकर जो टर्शियरी वाला है इसमें तीनों प्लस आई मिलकर के इसके चार्ज को कम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी वाले में केवल दो ही ग्रुप ऐसे हैं भाई, एच के पास उतना इफेक्ट है नहीं, कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब सेकेंडरी वाले में केवल दो ही ग्रुप मिलकर चार्ज कम कर पाएंगे, तो इतना चार्ज नहीं कम कर पाएंगे जितना टर्शियरी में कम हो रहा है, ठीक है। इसमें तो बेटा एक ही ग्रुप चार्ज कम करेगा, तो यहाँ तो चार्ज बहुत ही कम हो पाएगा। यहाँ तो सब मना कर देंगे, मैं तो नहीं कम करने वाला, मेरे पास तो कोई प्लस आई है नहीं। तो बेटा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मेरे पास ऑर्डर बनता है स्टेबिलिटी का, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री का होता है, और उसके बाद मेरे पास जो स्टेबल होता है वो 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मेथिल का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा स्टेबिलिटी, देखो कार्बोकैटायन में थोड़ा समय लगता है, कार्बेनायन और रेडिकल बेटा एक ही टन पे हो जाएगा। कार्बोकैटायन को थोड़ा समय देने दो, क्योंकि समझने वाला पॉइंट है, आगे चल के SN1 SN2 आपका जितना इंटर इंटरेस्ट सिलेबस में काम आएगा वो मोस्टली कार्बोकैटायन ज्यादातर काम आता है, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पर कुछ और भी कार्बोकैटायन है, जैसे ये मेरे पास बच्चा है बेंजिल कार्बोकैटायन, ये मेरे पास बच्चा है बेंजिल कार्बोकैटायन, और ये बच्चा है मेरे पास एनिल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये दो और कार्बोकैटायन है, और मैंने कहा था अगर कहीं पर चार्ज घटता है, अगर कहीं पर चार्ज क्या होता बच्चा घट जाता है, तो बेटा स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती, बढ़ जाती, ठीक है। अगर कहीं पर चार्ज घटेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, या अगर कहीं पर कोई चार्ज डिलोकलाइज्ड है, मतलब रेसोनेंस कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई चार्ज डिलोकलाइज्ड है, मतलब रेसोनेंस कर रहा है, तो भी बच्चा वो स्टेबल होता है। तो देखो भाई ये प्लस चार्ज है, आप सभी को मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया गया था, मेसोमेरिक इफेक्ट में जो माइनस एम बताया गया था, क्या बताया गया था, माइनस एम। तो यहाँ पे चूंकि प्लस आ गया है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा ऊपर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेगा बेटा, इसका अगला फॉर्म क्या बनेगा, यहाँ डबल, यहाँ डबल, इस जगह डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ प्लस आ गया, अब यहाँ प्लस तो ये डबल बगल में शिफ्ट हो जाएगा, तो बच्चा इसका अगला फॉर्म क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये डबल, यहाँ डबल CH2, यहाँ प्लस आ गया, और फाइनली रेसोनेंस करके ये फिर तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ओवरऑल ये बेंजिल कार्बोकैटायन इस वजह से स्टेबल है क्योंकि ये रेसोनेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, रेसोनेंस। इसी तरह से एलिल वाला भी रेसोनेंस करेगा, ये प्लस है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए बच्चा इधर जाएगा, तो बच्चा इसका अगला फॉर्म क्या बन जाएगा, CH2+ सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, अगला फॉर्म बच्चा ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका रेसोनेंस चल रहा है, मगर इस वाले में जो रेसोनेंस हो रहा है, जो प्लस चार्ज है वो केवल 2 सेंटर पर डिलोकलाइज है, और इस वाले में जो प्लस चार्ज है बच्चा वो 3 या 4 सेंटर पर डिलोकलाइज है, प्लस यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, यहाँ चला जाएगा। तो इस वजह से जो बेंजिल वाला है, जो बेंजिल वाला है बच्चा, वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू एलिल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करी जाए, अगर इन सभी का ओवरऑल ऑर्डर 11th लेवल की बात कर रहे हैं, बहुत हाई लेवल के लिए नहीं जा रहे हैं, हाई लेवल के लिए नीट और जेई मेंस के लिए मेरे पास लेक्चर सभी आएंगे। जेई मेंस के लिए रात के समय एक लेक्चर आएगा, 10 मिनट का कॉपी में लेक्चर होगा, वो आपको बताया जाएगा, उसमें काफी अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई देंगे। जो बच्चे जेई और नीट वाले हैं वो लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे कम स्टेबल मेरे पास मेथिल रेडिकल होता है, मेथिल कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद आता है 2 डिग्री, मगर ध्यान रखना 3 डिग्री के पहले, 3 डिग्री के पहले मेरे पास आ जाता है एलिल आ जाता है, और एलिल के बाद मेरा आ जाता है बेंजिल आ जाता है, और बेंजिल के बाद मेरा आता है 3 डिग्री। मतलब ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग तो कुछ और ही बताते हैं, बेटा 3 डिग्री और बेंजिल, 3 डिग्री बेंजिल, बेंजिल का मतलब क्या हुआ, जहां बेंजीन, एक बेंजीन लगी, बेंजिल का मतलब क्या हुआ, जहां एक बेंजीन लगी, ठीक है, वो बेटा कम स्टेबल होता है इन कंपेयर टू क्या, 3 डिग्री, वो बेटा क्या होता है, कम स्टेबल होता है इन कंपेयर टू बेटा क्या, 3 डिग्री। मगर हाँ, अगर मैं बेंजिल में
अपना जैसे बेंजिल में एक बार लिख देता हूँ, कुछ बच्चे भूल गए होंगे बेंजिल क्या होता है। ये बेटा बेंजिल होता है यहाँ बेंजिल। अगर मैं यहाँ पर ये जो दो एच है इनको कम हटा करके दोनों रिंग दो बेंजिल रिंग और लगा लूं तो बेटा थर्ड डिग्री पीछे आ जाएगा। मतलब अगर मैं एक ये बना लूं, फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन लिखा यहाँ, यहाँ पर सी पे एक एच रखा प्लस एक बच्चा और बेंजीन लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से मैंने तीसरा बना लिया बेंजीन, यहाँ पर तीन बेंजीन कर ली, मतलब इधर प्लस यहाँ पर भी आपका बेंजीन हो गया और बच्चा इधर भी। तो अब बेटा ये वाला जो है ना ये थर्ड डिग्री के आगे निकल जाएगा। मतलब कुल मिला के बेंजिल बेंजिल जो ये है ये तो थर्ड डिग्री के पीछे है, बेंजिल तो थर्ड डिग्री के पीछे है, मगर मेरे पास जो बाई बेंजिल है, बाई फेनिल है, ट्राई फेनिल, ये बटा थर्ड डिग्री के आगे निकल जाते। तो ये बटा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। कुल मिला के स्टेबिलिटी का सेंस क्या है कि जो ज्यादा स्टेबल है उसके बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, और जो कम स्टेबल है बच्चा उसके बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम। अब एक पॉइंट आता है कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट, एक पॉइंट आता है कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट। देखो रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एटम या ग्रुप कहीं से कहीं शिफ्ट हुआ, ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम या ग्रुप कहीं से कहीं शिफ्ट हुआ तो बेटा उसकी स्टेबिलिटी पहले से बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। अगर शिफ्टिंग के बाद स्टेबिलिटी नहीं बढ़ती है तो बेटा आपका वो अरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर आप कुछ मेहनत करते हैं, रीअरेंज हो रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, मगर वहां जाने पर आपको कोई खास स्टेबिलिटी या कोई फायदा नहीं हुआ तो आप क्यों जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2+, ठीक है। अब बताइए ये जो कार्बोकैटायन है ये बच्चा 1 डिग्री का, किस डिग्री का है, 1 डिग्री का, क्योंकि इसके बगल में एक कार्बन है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको ऐसे लिखा, ध्यान देना CH2 और H को ऐसे लिखा। अब मैंने क्या करा, एक हाइड्राइड शिफ्ट कराया। सर ये क्या होता है, यहां से H माइनस ले आके यहां पटक दिया, यहां पक्का H माइनस जा पाएगा क्योंकि यहां पे प्लस चार्ज है, जब यहाँ एच माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो CH2+ हो गया और सिंगल बॉन्ड CH3। देखो मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कराया, यहाँ पर क्या करा है, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, क्या करा बच्चा, हाइड्राइड शिफ्ट, मगर उसको रीअरेंजमेंट कराया, रीअरेंजमेंट कराया, मगर उसको करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि पहले भी मेरे पास 1 डिग्री का था और अभी भी मेरे पास किस डिग्री का है, 1 डिग्री का। मतलब ये शिफ्टिंग करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि कोई फायदा नहीं हो रहा। अब मैंने कहीं पर ले लिया सिंपल सा प्रोपिल कार्बोकैटायन, क्या ले लिया बच्चा, ये प्रोपिल कार्बोकैटायन, देखिए ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ठीक है, ये 1 डिग्री का। अब मैंने क्या करा, बीच वाले एस से एक एच माइनस, बीच वाले एस से बगल से ही शिफ्ट होगा, बहुत दूर से शिफ्ट नहीं होता है, यहां से एक एच माइनस बगल में शिफ्ट करा तो ये बन जाएगा CH3। अच्छा बताइए जब एच माइनस हटेगा तो बीच वाले पे प्लस आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये पहले 1 डिग्री का था मगर अब बच्चा अगल बगल दो कार्बन है तो ये किस डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया, किस डिग्री का हो गया बच्चा, 2 डिग्री का हो गया। तो बेटा 2 डिग्री में आने से इसकी बेटा स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो इसका नाम होता है बच्चा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्या नाम होता है बेटा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो ध्यान रखिए ये रीअरेंजमेंट तब हो सकता है जब स्टेबिलिटी बढ़े। तो ये मेरे पास पहला टॉपिक था कार्बोकैटायन। अब जो बच्चे मेरे पास दो इंटरमीडिएट वो एक साथ हो जाएंगे, एक हो गया कार्बेन आयन, एक हो गया मेरे पास रेडिकल, और इसके बाद मेरे पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे अपनी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, जिसके क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।